Hey guys, what's up everybody? It's Sweet Bunny back to a new video. Okay, so guys, आज मैं review करने वाला हूँ Galway Rupabham Body Wash का। So guys, सबसे पहले मैं इसको ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 250 ml का पैक है और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया है, इसका प्राइस है 252 रुपीज। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख के लेना। गाइज, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो मुझे लगता है हर किसी के लिए एफोर्डेबल भी है और मुझे ऐसा भी लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। लेकिन आपको इस प्रोडक्ट के काम और फायदे और सेफनेस और कितना अच्छा है ये सब जानने के बाद इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हाई नहीं लगेगा। गाइज, सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट का जो इन्ग्रीडियंट है उसकी बात करता हूँ तो आप डेफिनेटली एक चीज देखिए, मैंने बहुत सारा एक बड़ा बड़ा जो ब्रांड होता है और एक्सपेंसिव बॉडी वॉश है तो मैंने उनको भी यूज किया और शावर जेल को भी यूज किया। तो क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उनमें इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसा डाला जाता है, बहुत सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन एक चीज मुझे इस प्रोडक्ट का अच्छा लगा, इसमें कोई भी ऐसा सब्सटिट्यूटेड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही आपकी स्किन के लिए सेफ होता है और लॉन्ग टर्म यूजेस में आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है फ्यूचर में, तो वो सब कुछ नहीं है। ये पैराबिन फ्री भी है तो काफी अच्छा है और ये जेल फॉर्म में आती है, काफी अच्छा बॉडी वॉश है। अगर एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के बिना एक बॉडी वॉश के तलाश में हो तो डेफिनेटली आप Galway Rupabham को ट्राई कीजिए। ये मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने एक ही प्रोडक्ट मिला मेरे को और मैंने उसको टेस्टिंग के लिए दिया था बहुत पहले, 1 मंथ पहले। तो मैं सोचा था तभी रिव्यू कर दूं तो पैकेज खाली हो चुका था, इसीलिए मैंने शॉट नहीं ले पाया तो मैंने रिव्यू कर नहीं पाया। तो इसका जो यूजेस था काफी पहले है, 1 मंथ पहले था और एक ही लोगों ने इसे ट्राई किया था और अभी प्रोडक्ट मिला है मेरे को मार्केट पे, तो अभी मैंने ला के खरीद के फिर मैंने सोचा इसका शॉट लिया जाए और रिव्यू तो मुझे पता था तो मैंने इसको फिर से टेस्टिंग नहीं किया, तो अभी मैंने सोचा इसका ओपनली डायरेक्ट रिव्यू कर दिया जाए। गाइस, अगर मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं खुद अभी सोच रहा हूँ इस प्रोडक्ट को जो मैं खरीद लिया ये मैं पर्सनल यूजेस में लूंगा फ्यूचर में अभी। तो गाइस, एक चीज आपको पता है, एक फ्लेवर में आता है और फ्लेवर तो आपको पता ही होगा, बताने लायक कुछ नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कौन से फ्लेवर है। और दूसरी चीज है जो बॉडी वॉश है, एक जेल फॉर्म में आते है क्योंकि आप एक सोच रहे 250 ml का पैक है कितना चलेगा। गाइस, अगर आप खुद अकेले यूज करोगे ना ये मैक्सिमम आप 4 मंथ से 5 मंथ तक यूज कर सकते हो क्योंकि इसे आपको रेगुलरली यूज नहीं करना है, वीक में 3 टाइम अप्लाई करना है इससे। या आप नॉर्मल साबुन भी यूज कर सकते हो क्योंकि वीक में 2 टाइम या स्पेशल कहीं पे जा रहे हो या बहुत डट है बॉडी पे या बॉडी, विंटर में तो काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि अगर साबुन यूज करते हो, काफी लोग अभी भी साबुन यूज करते हैं विंटर में, तो विंटर में अगर आप साबुन यूज करोगे तो आपका स्किन जो है पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। चाहे आप ऑयल अप्लाई करो या बॉडी लोशन अप्लाई करो, वो जो नेचुरल है वो निकल जाएगा बॉडी से, तो उतना हाइड्रेट तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक बॉडी वॉश या शावर जेल को लोगे तो उतना ड्राई नहीं करेगा जितना एक साबुन ड्राई करेगा। और आजकल के साबुन का जो इंग्रेडिएंट्स है काफी हार्मफुल होता है क्योंकि वो लो प्राइस में आती है तो ब्रांड कुछ भी चिपका देता है और कुछ भी हाइड कर सकता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है काफी टेस्टिंग पास होकर यहाँ पे आती है, ब्रांड यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स दे दिया और कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिया और कुछ ऐसा हाइट कर दिया, क्योंकि काफी टेस्टिंग के बाद ही यहाँ पे प्रोडक्ट आती है। लेकिन हम पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं और होनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए। डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए आप अगर एक अच्छा बॉडी वॉश के तलाश में हो फिर, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है और इसका रिव्यू करने लायक कुछ नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बॉडी वॉश यूज कर रहे हो या साबुन यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज करो, अगर उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है तो उसे इग्नोर करो। और काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको Galway स्टोर में मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन शॉपिंग में भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी बाय कर सकते हो। सो गाइस, यही था इसका छोटा सा रिव्यू, कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, सो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइस मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।